फातिह तुमा ने माली साल 2023-2024 का बजट पेश कर दिया है। बजट में आम आदमी तो त्यार रिलीफ दिया गया है और टैक्सेज में कितनी छूट दी गई है, क्या आवाम इस आवाम दोस्त इसे बजट समझते हैं या नहीं, जानते हैं विहाड़ी ते शहरी इस बारे क्या देते हैं। जी पिछले एक साल से इन चीज़ों के रेट तो डबल ही हुए हैं, कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं हो रही। वालदैन ने तो बच्चों को स्कूलों से हटा लिया, हर चीज़ को जो रेट डबल हो रहे हैं। हमने सोचा था इस बजट में कुछ कम करेंगे ये, पर ये बिल्कुल नहीं कम कर रहे, तो ये हालात बड़े ख़राब हैं कारोबारी लिहाज से। ये बजट सेहत के लिए तो ऐसे है जैसे हुवल शाफी हूँ, भी अल्लाह से ही दुआ करो कि अल्लाह आपको आराम दे दे, बाकी तो हर चीज़ महंगी है। पढ़ाई के लिए है रब्बे ज़िदनी इल्मा, वो घर में बैठे आप पढ़ते रहें तो अल्लाह आपको पढ़ाई भी पढ़ा देगा, लेकिन पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो गया, पढ़ाई भी मुश्किल हो गई, किताबें और स्कूल की फीसें ये बहुत मुश्किल हो गया है। और तीसरे नंबर पे रह गया रिज़क, जो हम गरीब आदमी रिज़क कमाने के लिए दर बदर धक्के खाते हैं, भी ये बजट आ रहा है, इस बजट में हमें कुछ रिलीफ मिलेगा जिससे हम अपने बच्चों के पेट पाल सकते हैं, अपने पेट पाल सकते हैं, लेकिन ये बजट ने तो वो ही कर दिया कि अब लिखाना पड़ जाता है कि वल्लाहु खैरुन राज़िकीन, अब तो अल्लाह ही रिज़क देगा, बाकी ये बजट ने तो हमें बिल्कुल बिल्कुल ही मार दिया। जो 2023 और 24 का बजट आया है ये आवाम के लिए बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना आवाम के लिए कम की गई हैं और आवाम को रिलीफ दिया गया है, और ऐसा ही होना चाहिए। ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है, हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा भी ये हुकूमत जो है ना वो बजट और मज़ीद कम करे ताकि गरीब आवाम को सहूलत मिल सके। तो पढ़ाई भी पढ़ा देगा, लेकिन पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो गया, पढ़ाई भी मुश्किल हो गई, किताबें और स्कूल की फीसें ये बहुत मुश्किल हो गया है। और तीसरे नंबर पे रह गया रिज़क, जो हम गरीब आदमी रिज़क कमाने के लिए दर बदर धक्के खाते हैं, भी ये बजट आ रहा है, इस बजट में हमें कुछ रिलीफ मिलेगा जिससे हम अपने बच्चों के पेट पाल सकते हैं, अपने पेट पाल सकते हैं, लेकिन ये बजट ने तो वो ही कर दिया कि अब लिखाना पड़ जाता है कि वल्लाहु खैरुन राज़िकीन, अब तो अल्लाह ही रिज़क देगा, बाकी ये बजट ने तो हमें बिल्कुल बिल्कुल ही मार दिया। जी बिल्कुल, आपने देखा विहाड़ी ते शहरी इस बजट तो अच्छा भी समझ रहे हैं और बुरा भी। शहरियों का कहना है तो बजट अच्छा है, लेकिन इसमें रिलीफ देना चाहिए था।